बहुत एंथुजियाज्म के साथ हमेशा करते हैं कि गणपति जी आ रहे हैं, तो कम से कम 2 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, अच्छा क्या थीम रखना है क्या रखना है। तो ये सारी की सारी सब जो सजावट आप देख रहे हैं वो परी ने किया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा शौक है डेकोरेशन का और मैं पूरे साल भर वेट करती हूँ, सोचती रहती हूँ कि इस साल गणपति पे क्या डेकोरेशन करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे, यूनिक लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे। फिर इस साल हमने सोचा थोड़ा ट्रेडिशनल डेकोरेशन किया जाए, क्योंकि हमारे जो बापा थे जो हमने मूर्ति सिलेक्ट की थी वो थोड़ी ट्रेडिशनल मूर्ति थी, तो इसलिए हमने गेंदे के फूल और ये वाइट फ्लावर्स जो हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल फ्लावर्स हैं उसका डेकोरेशन हमने सोचा इस साल। एक बात बताना चाहूँगी कि ये 19th ईयर है गणपति के पापा हमारे घर आए हैं, और हर साल हम सोचते हैं पता नहीं इतनी मूर्तियाँ 100-200 मूर्तियाँ होती हैं जगह पे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, इस बार ऐसे सिलेक्ट करेंगे वैसे सिलेक्ट करेंगे, मगर एक मूर्ति होती है जिनकी आँखों में आप देखो तो एक कनेक्शन बैठ जाता है, और हर साल ये होता है और इस साल भी ऐसा ही हुआ। बापा इतने खूबसूरत हैं, इनकी आँखें इतनी खूबसूरत हैं, इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि जब मूर्ति सिलेक्शन हो रहा था तब मैं बॉम्बे में नहीं थी और पराग मम्मी के साथ गए थे, और पराग और मैंने फेस टाइम पे हमने साथ में मिलकर मूर्ति सिलेक्ट की। पहले पसंद आई मूर्ति, मैंने कहा मुझे लगता है कि शायद यही मूर्ति है अपनी, मैंने परी को फेस टाइम कराया, तो फेस टाइम कराते ही मेरे बोलने से पहले कि मैं चाहता हूँ कि ये आए, उन्होंने बोला कि नहीं ये मूर्ति है हमारी, तो बिल्कुल आँखों से वो बातें करते हैं हमारे साथ। आप देखिए इनकी आंखों में इतनी खूबसूरत आंखें हैं इनकी, और इतने भोले लगते हैं, मुस्कुराहट देखिए कितनी खूबसूरत है। मालूम है हमेशा कि हमारे दिल में क्या है, हम तो सिर्फ उनसे ये प्रे करते हैं कि अपना हाथ बनाए रखिए, हमें सबको खुश रखिए, पूरी फैमिली को एक साथ रखिए, जोड़ के रखें, हम जोड़ के रखें, हेल्थ सबकी ठीक रहे, बाकी और बस सब कुछ आपने दिया है और अपना हाथ हमारे ऊपर बना के रखिए, आपके बच्चे हैं, और जो आपको ठीक लगे, आपको जो ठीक लगता है वो हमें दीजिए, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा बहुत, मेरे साथ स्पेशली बहुत हुआ है कि मैं सपोज़ मैंने कोई चीज़ मांगी, मेरे शायद इतनी छोटी थी और मुझे नहीं मिली तो मुझे बुरा लगा, लेकिन उसके बाद देखा तो इतनी बड़ी चीज़ मिली, तो इसलिए मांगते नहीं पप्पा से, पप्पा को तो मालूम सब पता है, उनको सब पता है।